नमस्कार, स्वागत है आपका बीआरजी टीवी जनता की आवाज़ पे। मैं हूं चंदन बाबू। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड में बड़ारा महानंद पंचायत में इस वक्त मैं उपस्थित हूं। कल्याणपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी लीलावती देवी, जिनके पति हैं श्री शिव बालक राम जी, आइए इनसे कुछ बात करेंगे। सर, आपका बीआरजी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है जी। यानी कि आपका चुनाव की तैयारी 8 पंचायत में कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, क्योंकि हम समाज सेवी हैं, समाज में कुछ काम किए हैं जी। क्या हो रहा है? क्योंकि कोर्ट कचहरी से भी समर्थन करते हैं लोग, जो दस्तावेज वगैरह सब निकाल के देते हैं, मुंशी का काम करते हैं। और भी अंचल ब्लॉक में जो भी कोई समस्या आता है तो हमारे पास लोग आता है, उनका हम सहयोग करते हैं। इसलिए हमारे साथ सब समर्थक लोग हैं, 8 पंचायत में हमारा समर्थन मिल रहा है, हमारा बड़ी बहुत बढ़िया चुनाव का तैयारी हो रहा है जी। जी, यानी सर आप जैसे में कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखाई देता है और कागज में पास करा दिया जाता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? उस पर हमारा विचार यह है कि अच्छा कैंडिडेट हो जो जीत करके अच्छा पहल करे और उस शिकायत को ऊँचे से ऊँचे जगह पर पहुँचाए, ताकि इसका जांच हो और सही काम हो, विकास हो जी। यार देखिए, कोई भी सरकारी योजना जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, उसको राशन कार्ड लेबर कार्ड बनवाने में खर्च लगता है, घुस लोग लेता है, घुसबाजारी का, इस पर आपका क्या विचार है? इस पर विचार यह है कि ऐसे उम्मीदवार को जिताए ताकि इस भ्रष्टाचार को मुक्त किया जाए। आप यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? जनता के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि जनता सबके हम साथ है, समर्थन में है, जो जब जैसे खोजेंगे उस तरह हम उपस्थित होते हैं, और उनका जो समस्या होगा उसमें हम सहयोग करेंगे, हमारे साथ सहयोग करें कि उनका हम विकास आगे चल के कर सकें जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चुनाव के बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आइए उनसे भी कुछ बात करते हैं जी। आपका नाम बताइए। आपका जी, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यानी कि जिला परिषद प्रत्याशी के पति जी हैं शिव बालक राम जी, इनके बारे में क्या कहते हैं? ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनको वोट देना हम चाहते हैं जी, जिताना चाहते हैं कि यहाँ पर विकास करें, कर्मठ आदमी देखते हैं जी। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं शिव बालक राम जी के बारे में? जी, फुलेना राम पंचायत, सही व्यक्ति हैं, कर्मठ उम्मीदवार है, कोई भी समस्या हो चाहे कुछ भी हो उसमें साथ रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है जी। शिक्षित व्यक्ति हैं, जिला परिषद में इनको हम वोट देना चाहते हैं जी। सभी व्यक्ति को बोल रहे हैं जी, इनको वोट देकर भारी मतों से जिताकर इनको विजय करके इनसे जो समस्या का हल होता है जिला परिषद में, समस्या। आप अपना नाम क्या बताएं? फुलेना राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, सुबालक राम जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत जानते हैं, अच्छा करते हैं जी। जिला परिषद में खड़ा है तो हम लोग चाहते हैं कि हमको वोट दें, अच्छा से जीते, और जो अच्छी दिक्कत होगा कहीं जी। जी, आइए यहाँ पर कुछ नवयुवक साथी लोग हैं, उनसे भी कुछ हम बात करेंगे जी। आप जिला परिषद प्रत्याशी के बारे में शिव बालक राम जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले मेरा नाम दीपू कुमार है जी, मेरा 3 नंबर वार्ड में मेरा घर है, मेरा घर बाकरपुर है जी, बड़ारा पंचायत में। और मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से कि जो शिव बालक राम है, जो जिला परिषद में खड़े हैं इस समय, उनको हम लोग दिल से मन से और तन से दिल से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा व्यक्ति हैं वो, उनको अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं, कहीं अभी नहीं, हम 2-3 साल से उनको जानते हैं। ये कोर्ट कचहरी के भी मामले में अच्छे आदमी है, हमारे बहुत काम भी कराए हैं, जैसे राशन कार्ड का वगैरह वगैरह जो भी है उसमें सुधार उनको कराए, तो हम इनको यही कहूँगा शिव बालक राम जी को धन्यवाद कि हम आपके साथ हैं, और हम और चाहेंगे कि आप वोट बढ़ाएं और आपको भरी महत्व से विजय बनाएं, मेरा यही शुभकामना है उनसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर है लोग कल्याणपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 से भावी जिला परिषद उम्मीदवार लीलावती देवी, जिनके पति हैं श्री शिव बालक राम जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
किया है जी, वोट करके सलाम को चले गए मीडिया की बानी हां सब खुद ही हमारा भाग है जी। यानी बहुत अच्छे इंसान है, इंसान परमठ है, इनको जन समर्थन हर पंचायत से मिल रही है, बहुत इंसान है जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। बीआरजी टीवी लक्ष्मीकांत के साथ मैं चंदन।